झूले बच्चों, आज हम एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल मैंने आपको स्टार्ट किया था एरिया ऑफ सेक्टर के बारे में, तो मैंने आपको सेक्टर, आर्क और सेगमेंट क्या होता है ये चीज आपको बताया, ठीक है ना। तो मैंने एक ब्रीफ सा एक टेबल जैसा आपके लिए बना दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। सेक्टर, सेक्टर क्या था? एक सर्कल का अगर सेंटर ऐसा करके रेडियस है और ये सेंटर ओ है और ये आर्क है, तो ये वाला पोर्शन को हम क्या कहते थे? सेक्टर। और छोटा सेक्टर को हम माइनर सेक्टर कहते थे और बड़े वाले को हम क्या कहते थे? मेजर सेक्टर कहते थे, ठीक है ना। अब जब ये सेक्टर है, इसका एरिया क्या था? इसका एरिया हम कैसे निकालते थे? ये एंगल डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ओके। तो ये एक एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूले थे, ठीक है ना, माइनर सेक्टर के लिए। उसी तरह मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएंगे? ये वाला बड़ा वाला एरिया, ओके, उसको हम क्या बोल देंगे? मेजर सेक्टर। तो ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएंगे? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा अपॉन टोटल एंगल इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि एक सर्कल का एरिया का पोर्शन है, तभी हमने पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आर्क, आर्क किसको कहते थे? इसी सेक्टर का जो सर्कमफ्रेंस का पोर्शन होंगे उसको हम क्या कहते थे? आर्क, ठीक है ना। ये छोटा वाला आर्क को हम माइनर आर्क और बड़े वाले को हम क्या कहते थे? मेजर आर्क, ठीक है ना। अब इस आर्क का लेंथ कितना होंगे? इस आर्क का लेंथ, ये तो एक लेंथ ही है ना, सर्कमफ्रेंस का पोर्शन ही है, तो एक लेंथ ही होंगे। इसका लेंथ क्या होंगे? सेम थीटा बाय 360 इंटू टू पायर। टू पायर क्यों? क्योंकि एक सर्कमफ्रेंस का पोर्शन है, ओके। मेजर आर्क के लिए क्या होंगे? ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएंगे? 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू टू पाई आर। मेजर आर्क मीन्स ये वाला आर्क, माइनर आर्क मीन्स ये वाला, ठीक है ना। चलो बच्चों, उसके बाद सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या था? ऐसा करके एक सर्कल है, उसका एक सेक्टर है, उस सेक्टर में से अगर मैं एक, अब इस सेक्टर, इस सेगमेंट के लिए मैंने क्या कहा था आपको कि इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने, इनके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट इसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। तो इसका, इस सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालेंगे? ये माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? माइनर सेक्टर में से ये ट्राइंगल को मैं जब सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनर सेक्टर का एरिया क्या होंगे? ये पोर्शन, ये क्या है? ये है माइनर सेक्टर का एरिया। तो माइनर सेक्टर का एरिया में से मैं जब ये पूरा सेक्टर में से ये ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये बचेंगे ना, ये सेगमेंट बचेंगे ना, ये माइनर सेगमेंट बचेंगे ना, तो इसका एरिया इस तरह से हम निकाल देंगे, ठीक है ना। उसी तरह मेजर सेगमेंट का कैसा निकालेंगे? मेजर सेगमेंट मींस कौन सा पोर्शन? ये वाला को छोड़ के ऊपर वाला जो पोर्शन है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट के लिए हम क्या करेंगे? पहले हमें क्या करना पड़ेंगे? पूरे सर्कल में से ये सेगमेंट को, माइनर सेगमेंट को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएंगे? मेजर सेगमेंट मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब ये माइनर सेगमेंट को हम कैसे निकालते थे? माइनर सेगमेंट को हम इस तरह से निकालते थे, ओके। इसका मतलब अगर आपको मेजर सेगमेंट निकालने होंगे, तो पहले क्या करना पड़ेंगे? आपको माइनर सेगमेंट निकालना पड़ेंगे, फिर उसके बाद पूरे सर्कल में से ये क्या है, माइनर सेगमेंट को मैं क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, अब माइनर सेक्टर, सेक्टर कौन सा है? ये वाला पोर्शन क्या है? सेक्टर है, माइनर सेक्टर। तो इसको नाम कैसे देंगे? यहां से ओ ए पी बी। अगर मैं बोल दूंगा ओ ए बी माइनर सेक्टर है बोलेंगे, तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल बन जाएंगे उस टाइम, ठीक है ना। तो सेक्टर में ये पूरा पोर्शन आते हैं ना, तो इसलिए हम इसका नाम कैसे देंगे? ओ ए पी बी। तो इसको हम कैसे नाम देंगे? ओ ए पी बी। उसी तरह मेजर सेक्टर को हम नाम कैसे देंगे? ये वाला पोर्शन है ना, ऐसा करके, तो इसको नाम कैसे देंगे? ओ ए बी बोल, नहीं बोल के ओ ए क्यू बी, ऐसा घुमा के बोलेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसको नाम देना भी आपको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें चार चीज आ रहा है, ओ ए क्यू बी ऐसा करके, ठीक है ना। उसी तरह लेंथ ऑफ आर्क, उसी तरह लेंथ ऑफ आर्क को हम क्या बोलेंगे? ए बी ना बोल के ए बी बोलेंगे, तो एक स्ट्रेट सा हो जाएंगे ना, तो इसको ऐसा घुमा के बोलेंगे, ए पी बी, ए पी बी, ठीक है ना। उसी तरह मेजर आर्क को हम कैसे नाम देंगे? ए ऐसा करके क्यू फिर बी, इसको कैसा देंगे? ए क्यू बी, इस तरह से ये लेंथ को नाम देंगे, ठीक
ठीक है ना बच्चों। उसी तरह माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा पोर्शन है ये, इसका नाम कैसे देंगे, ए पी डी, ये भी आर्क की तरह ही इसका नाम दे देंगे, इसका भी आर्क की तरह जैसा हमने आर्क को माइनर आर्क को नाम दे रहे थे उसी तरह इसको भी वही नाम दे देंगे, बट इसको लिख देंगे कि ये सेगमेंट है, ये है आर्क। वेरी क्लियर। चलिए भाई उसी तरह मेजर सेगमेंट को कैसा नाम देंगे, मेजर सेगमेंट कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, तो इसको भी कैसा नाम देंगे, ए क्यू बी। तो मतलब जैसा हमने मेजर आर्क को नाम दे रहे हैं उसी तरह इसको भी नाम दे देंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगर ये रेडियस सेंटीमीटर में है, अगर ये रेडियस सेंटीमीटर में है तो एरिया किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में आंसर आना चाहिए। उसी तरह लेंथ, लेंथ क्या होता है, एक डिस्टेंस, अगर ये रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसको मैं नाम इसका यूनिट क्या लिखूंगा, ये सेंटीमीटर में तो लेंथ तो एक डिस्टेंस ही है ना, तो इसका आंसर किस में आ जाएंगे, सेंटीमीटर होंगे तो सेंटीमीटर में, मीटर में होंगे तो मीटर में, किलोमीटर में तो किलोमीटर में, इस तरह से इसका यूनिट आ जाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह ये सेगमेंट, सेगमेंट क्या है, एरिया है, तो इसको किस में आ जाएंगे, अगर ये रेडियस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएंगे, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। अब ये चीज तो आप कल मैंने आपको क्वेश्चन किया था इसके बेस पे, इसके बेस पे आपको क्वेश्चन किया था, ठीक है ना, तो आज मैं इसके बेस पे भी क्वेश्चन करूंगा और ये वाला पोर्शन पे भी क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होंगे कहां पर, जब आप माइनर सेगमेंट निकालेंगे तब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अब उसके लिए मैं फिर से आपको कि जितने तरह के क्वेश्चन हैं उसको मैं एक डिफरेंस करके आपको दिखा दूंगा कि इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, किस केस में कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको कहा कि इस सेक्टर में से इस ट्रायंगल को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए ये ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, इस ट्रायंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। तो आपको तीन तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है ना। या एक ये बीच का जो एंगल है ये थीटा अगर 60 हुआ या ये 90 हुआ या ये 120, 90 या 60 को छोड़ के कोई और एंगल हुआ तो उस टाइम हमें कैसे करना है, ठीक है ना। अगर ये 60 डिग्री हुआ, ये एंगल अगर 60 डिग्री हुआ, ये क्या है ट्राइंगल में, ये वाला और ये वाला इक्वल क्यों है, ये वाला ट्राइंगल में ये और ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है सर्कल का रेडियस, मतलब इस ट्राइंगल में ये और ये पोर्शन भी क्या है इक्वल, इसका मतलब ये ट्राइंगल इसके मुताबिक देखेंगे तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 60 हुआ टोटल एंगल कितना होते हैं 180, ये 60 है ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कितने कितना होना चाहिए 60 60, ये 60 है तो ये दोनों भी 60 60 आ जाएंगे, इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है इक्विलेटरल। ओके बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो यहां पर साइड क्या है रेडियस का स्क्वायर, तो इस तरह से हमें ये वाला एरिया जब ये 60 होगा तब हमें ये वाला फॉर्मूला ट्रायंगल का लगाना है, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद अगर ये 60 ना होके 90 डिग्री हुआ, अगर ये 60 ना होके 90 डिग्री हुआ तो उस 90 डिग्री हुआ तो उस टाइम हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकालने के लिए, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसी पोर्शन को इसी ट्रायंगल को अगर मैं ऐसा करके घुमा के ऐसे बना दूंगा तो ये वाला तो क्या है ये रेडियस और ये वाला क्या है ये रेडियस। ओके तो अगर ये एंगल 60 ना होके 90 डिग्री हुआ तब उस टाइम हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ऐसा करके घुमा देंगे तो इस तरह से बन जाएंगे। ओके ये है रेडियस, ये है रेडियस। अब इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना रहा हूं तो ये क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये हो जाएंगे बेस और ये हो जाएंगे इसका हाइट, ठीक है बच्चों। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसा निकालते हैं, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल वुड बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हमें रेडियस दिए होंगे तो दोनों बेस और हाइट दोनों ही रेडियस है तो दोनों को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आर है आर इंटू आर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ, अगर क्वेश्चन में कहीं कहा होगा कि ये क्या है
क्वाड्रेंट भी कहा हो सकता है। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है कि अगर एक सर्कल को मैं चार हिस्से कर दूंगा तो एक पोर्शन को मैं क्या कहूंगा, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो सर्कल का ये 360 है, इसको चार हिस्से करूंगा तो 90 90 90 90 हो जाएंगे, चार 90 हो जाएंगे ना। तो एक पोर्शन का एंगल कितना हो जाएंगे ऑटोमेटिकली 90, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एंगल कितना है 90 डिग्री है, ठीक है ना। चलिए अगर ये 60 भी ना होके 90 भी ना होके कोई और एंगल होंगे और आपको ये रेडियस दिए होंगे, तब उस टाइम आपको क्या करने होंगे, फिर इसमें हाफ, इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो इसी ट्राइंगल को जब मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा करके, ये वाला पोर्शन को, तो ये ऐसा करके ट्राइंगल है, ये वाला क्या हो जाएंगे पूरा बेस हो जाएंगे, ये पूरा क्या हो जाएंगे बेस, और ये वाला यहां से जब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो ये इसका हाइट हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएंगे इसके हाइट, ये हो जाएंगे बेस और ये हो जाएंगे हाइट, ठीक है ना बच्चों। तो इस केस में आपको थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, मुश्किल थोड़ा सा लगेंगे, बट मैं आपको आसान करके बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो इस केस में क्या करेंगे हम, इस दो, जब मैं फर्स्टली तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, इस ट्राइंगल को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद परपेंडिकुलर करने के बाद मुझे रेडियस गिवन है, ऐसा करके ये रेडियस गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर दूंगा, कॉन्ग्रेंट कर दूंगा। आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद ये ट्राइंगल का हाफ पोर्शन को मैं ऐसे करके करूंगा, तो ये इसको मैं जब कॉन्ग्रेंट करूंगा तो ये एंगल, ये तो एक क्या है, ये रेडियस और रेडियस सेम है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। अगर ये 120 है तो ये दोनों कितना होना चाहिए 30 30, क्योंकि टोटल प्लस करके कितना होता है 180। तो 120 पे मैं अगर 30 30 कितना होता है 60 को जमा करूंगा तो 180 हो जाएंगे, इसका मतलब ये कितना निकल जाएंगे 30 और ये भी 30। तो यहां से मुझे एक एंगल पता चल जाएंगे 30 डिग्री। ओके, जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये वाला और पोर्शन, ये साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रेंट क्यों किया है, कॉन्ग्रेंट करने से मेरे को ये बेस मिल जाएंगे, आधा बेस मिल जाएंगे, तो पूरा बेस क्या होंगे, ये पोर्शन मुझे मिल जाएंगे तो ये पूरा क्या होंगे, इसके डबल हो जाएंगे, ठीक है ना। जब मैं क्वेश्चन करूंगा आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका बेस और इसका, इसी ट्राइंगल को मैं ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करूंगा, क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने पढ़े होंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से मुझे रेडियस पते होंगे, ये रेडियस गिवन होंगे, तो एक साइड और एंगल पता होने से मुझे बाकी सब साइड पता चल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर कौन से चीज अप्लाई करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री से मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये वाला पोर्शन निकाल दूंगा, ये वाला निकालने से ये पूरा बेस क्या हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएंगे। ओके, फिर उसी ट्रिग्नोमेट्री से मैं, ये एंगल गिवन है, ये भी गिवन है, तो मैं ये वाला साइड निकाल सकता हूं, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री से यह हाइट भी मिल जाएंगे, बेस भी मिल जाएंगे, बेस एक मिला तो इसको डबल करके, तो यह हाफ बेस इंटू हाइट करके मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल में निकाल सकता हूं, ठीक है ना बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से आप एक बार, मैंने आपको सबको अलग करके दिखाया, नहीं तो मैं क्वेश्चन करते जाऊंगा फिर आपको इतना समझ में नहीं आएंगे, तभी मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ कोण ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है तो इसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सबटेंड राइट एंगल एट सेंटर, तो ये जो कॉर्ड है, यहां पर कॉर्ड कौन सा है, ये वाला कॉर्ड, ये लाइन को क्या कहेंगे, कॉर्ड। ये कॉर्ड सेंटर पे, ये सेंटर ओ होंगे, तो ये कॉर्ड ए बी, ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री, ठीक है ना बच्चों। तो यहां से आपको क्या पता चल जाएंगे, थीटा कितना आ जाएंगे 90 डिग्री, राइट एंगल मींस थीटा कितना हो जाएंगे 90 डिग्री, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉसबॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा है बच्चों, ये वाला पोर्शन क्या है, माइनर सेगमेंट। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर कौन सा है बच्चों, ऐसा करके ऐसा वाला, ये वाला एरिया कौन सा है, मेजर सेक्टर, ठीक है ना। हमें ये निकालना है और ये निकालना है, ठीक है ना। तो मैं फर्स्ट क्या निकालूंगा आपके लिए, ये माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ये किसके बराबर होंगे बच्चों, आप बताइए मेरे को, माइनर सेगमेंट किसके बराबर होंगे। माइनर सेगमेंट मींस इस सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएंगे, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया माइनर
माइनर सेक्टर माइनस क्या करूंगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस सेक्टर मीन्स ये वाला पोर्शन में से इस ट्राइंगल को मैं माइनस कर दूंगा, तो मुझे ये मिल जाएंगे ना। चलिए भाई, अब माइनस सेक्टर का एरिया क्या था अब बताइए मेरे को, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर किसके बराबर है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे, ये ट्राइंगल को किस तरह से है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएंगे बेस और ये हो जाएंगे हाइट, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके बच्चों, चलिए अब थीटा कितना है 90, थीटा कितना है 90 बाय 360 इंटू पाई कितना है 22 डिवाइडेड बाय 7 नहीं लेना हमें, क्या लेना है 3.14 लेने के लिए कहा है, पाई कितना लेना है 3.14। और रेडियस कितना है, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 10, ठीक है ना। माइनस हाफ बेस, बेस कितना है ये वाला पोर्शन का, ये भी 10 है ये भी 10, तो बेस 10 है हाइट भी 10, तो यहाँ पर 10 इंटू 10, ठीक है बच्चों। चलिए इसको कटिंग कर दीजिए, 9 1 9 9 4 36 91 94 ये हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या कट हो रहा है, चलिए और 2 1 2 2 5 10 और क्या हो रहा है, 2 2 4 2 5 10 या रेडियस स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर रेडियस स्क्वायर है, मतलब क्या होंगे यहाँ पर 10 इंटू 10 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, 2 2 4 2 5 10 2 1 2 2 5 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचे हैं आपके, यहाँ पर बचा है 3.14 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 5 10 50, इसको ये करना है, ठीक है ना। तो ये चीज को मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितने आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई करने से कितने आ जाएंगे 78.5, ये करने से कितने आ जाएंगे 78.5 माइनस 50, तो 78.5 में से 50 को मैं माइनस करूंगा तो कितने आ जाएंगे ये 28.5, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारा माइनस सेगमेंट का एरिया किस में, एरिया है तो हर चीज रेडियस सेंटीमीटर में, तो एरिया किस में आ जाएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसी तरह अब मैं मेजर सेक्टर को निकालूंगा, ठीक है ना बच्चों, इसको मैं रब कर दूंगा। ओके, तो अब हम ये सेकंड वाला चीज निकालते हैं, ठीक है ना। अभी फर्स्ट वाला तो मैंने आपको निकाल दिया, अब सेकंड वाला क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ क्या निकालना है बच्चों, मेजर सेक्टर। तो मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे आप बताइए मेरे को, मेजर सेक्टर कौन सा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला क्या है मेजर सेक्टर, ठीक है ना। यहां पर था माइनर सेक्टर, ये हो गया मेजर सेक्टर, ये 90 है तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएंगे बच्चों 270, तो मेजर सेक्टर का थीटा कितना आ जाएंगे 270, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा तो मैं यहां लिख दूंगा 360 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आर को कैपिटल मान लीजिए, ठीक है ना। तो यहां पर आ गया थीटा कितना है 90, तो 360 में से मैं 90 को माइनस करूंगा, 360 में से मैं 90 माइनस करूंगा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई, मुझे कितना लेने के लिए कर रहे हैं 3.14 इंटू रेडियस कितना है 10 इंटू 10, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। चलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 270, वेरी गुड। उसके बाद ये 360, फिर उसके बाद 3.14 इंटू 10 इंटू 10। चलिए इसको भी काट दीजिए, 9 इसको कितने से कट हो जाएंगे, 0 0 कट, 9 के टेबल से इसको काट दीजिए, 9 3 27, 9 4 36, उसके बाद 2 2 4 2 5 10 और 2 1 2 2 5 10, तो यहां पर क्या बच गए हैं बच्चों, यहां बच गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने आ जाएंगे, एक 3 भी बचा हुआ है, ठीक है ना, यहां पर एक 3 भी बचा हुआ है, तो ये कितना आ जाएंगे ऐसा करके, एक 3 भी तो यहां बचा हुआ ना, इंटू 3 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितने आ जाएंगे आपके, कितने आ जाएंगे 235.5, तो इसको मल्टीप्लाई करने से कितने आ जाएंगे 235.5, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है ना बच्चों, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो ये रेडियस कितना है, ये रेडियस सर्कल का जो रेडियस ये कितना है, रेडियस 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेन एन एंगल एट 60 डिग्री एट द सेंटर। आर्क कौन सा आर्क, माइनर आर्क। जब भी आपको आर्क बोला होगा, सेक्टर बोला होगा, सेगमेंट बोला होगा, स्पेसिफाई नहीं किया होगा मेजर और माइनर करके, तो हर समय माइनर की ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो कल मैंने आपको नोट में लिखवाया था, ठीक है ना। फिर उसके बाद एट 60 डिग्री एट सेंटर, तो थीटा कितना हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे 60 डिग्री, मतलब ये आर्क सेंटर पे थीटा कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है ना। तो पहले हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट पोर्शन में लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होते हैं बच्चों, फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें वैल्यू पुट कर देना है, थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 पाई, 22 डिवाइडेड बाय 7 लेंगे और आर कितना है बच्चों 21, ठीक है ना। तो यहां से कटिंग कर देते हैं, 6 1 6 6 6 36 61 66 है, ठीक है ना। 7 1 7 7 3 21, ठीक है ना। 3 1 3 3 2 6, ओके बच्चों। 2 1 2 2 1 2, तो कितने बच गए यहाँ पर, 22 अकेला बच गया, ठीक है ना। तो लेंथ है, तो रेडियस सेंटीमीटर में, तो लेंथ कितने आ जाएंगे सेंटीमीटर में, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे, सेकंड वाला, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क, हमें ये इसका एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, हमें एरिया ऑफ सेक्टर, ये आर्क कितना सेक्टर का कितना एरिया बना रहे हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएंगे, थीटा बाय 360 into pi r square, ठीक है ना बच्चों। थीटा कितना है 60 डिवाइडेड बाय 360 into pi कितना है 22 डिवाइडेड बाय 7 into रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 21 into 21, तो इसको कटिंग कर देते हैं, 6 1 6 66 6 6 36, चलिए 7 1 7 7 3 21 और 3 1 3 3 2 6 2 1 2 2 11 22, तो यहाँ कितना बच गया 11 इंटू 21, तो ये कितना आ जाएंगे 231, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरस्पॉन्डिंग कोट, उसके बाद थर्ड वाला चीज, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। जब भी मेंशन नहीं किया होगा तो माइनर की निकालना है, ठीक है ना। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएंगे, एरिया सेक्टर, एरिया सेक्टर माइनस क्या हो जाएंगे, सेक्टर में से ट्राइंगल को माइनस कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके बच्चों। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने निकाला कितना 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऐसा करके एक 60 है तो ये भी सब 60-60 हो जाएंगे, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मैंने बताया कौन सा फॉर्मूला है, रूट 3 बाय 4 इंटू साइड क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 21, तो 21, ठीक है ना, रेडियस का रूट 3 बाय 4 रेडियस का स्क्वायर, ओके। चलिए अब निकालते हैं इसको, 231 माइनस 21 इंटू 21 कितना होते हैं 441, तो ये कितना होते हैं 441 और रूट 3 बचा हुआ है नीचे 4, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर, एरिया मीन्स सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना, कौन सा सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना बच्चों। एक बार फिर से देख लीजिए, हमने पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाला है, कौन सा आर्क, माइनर आर्क, फिर इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, उसके बाद एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा निकाला है, माइनर सेगमेंट निकाला है, ठीक है बच्चों। तो इसको देखिए अच्छे से, आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं, जुले।